मध्य प्रदेश के रीवा जिले की विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण तिवारी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में कद्दावर विधानसभा सदन के नेता रहे, उन्होंने आज चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल लक्ष्य से भटक चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम छोर तक सेवा का संकल्प दिया था। राजेश मिश्रा, स्टेट हेड। बहुत सही और समय पर आपने प्रश्न पूछा है। रीवा में विकास नहीं, दुर्गति चल रही है। अकेले अगर बानगी के तौर पर हमारे रीवा के शहर के एक कोने से प्रारंभ होकर दूसरे कोने रतहरा तक अगर हम जाएं, तो इसमें धन्य है धरती, 24 बार इसकी खुदाई हुई, 2 दर्जन बार इसकी खुदाई हुई है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे अभी बात हो रही है मऊगंज के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी जी से, मैं सीधे लाइव हो रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहां के विकास कार्य के बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि रीवा में क्या विकास कार्य हो रहा है, कैसे समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। मैं इनसे डायरेक्ट चर्चा कर रहा हूं और बात कर रहा हूं, हमें ये रूबरू बता रहे हैं। अभी हमारे मऊगंज के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी जी से मैं अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूं। बताएं सर, क्या यहां के मुद्दे मामले हैं? यहां तो लोक निर्माण विभाग ही अकेले विभाग, आज जो एक रीवा के एक छोर बाईपास से लेकर अगर हम चुराहटा से और यहाँ RTO ऑफिस तक की ही बात कर लें, 24 बार इस धरती को खोद दिया गया, 24 बार इसका मेंटेनेंस के नाम पर, कहीं पाइप डालने के नाम पर, कहीं रिपेयर के नाम पर, कहीं डबलीकरण के नाम पर, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर, कहीं गंदा और मीठा पानी के नाम पर, तो 24 बार गिनती से, जिसमें 90 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस तमाम भ्रष्टाचार में अकेले PWD के, जिसमें स्टाफ मिलकर, एजुकेटिव इंजीनियर मिलकर, SC मिलकर, इन्होंने जो बंदर वाट कर दिया है, ये रीवा की जनता और रीवा से गुजरने वाले हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे हैं इसका तमाशा। ये मैंने आपको एक विभाग की बात छोटी सी बानगी दिया है, अगर इस पूरे ज़िले में लोक निर्माण विभाग के 480 रोडें, जिसका भी हमको लगता है कई करोड़ रुपया केबल मेंटेनेंस के नाम पर मशीनरी घोटाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्ट रीवा से ब्यूरो चीफ पवन द्विवेदी जी। पवन द्विवेदी जी, आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी रहे हैं सरकार में, आप भी थे, आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं सर? आपने कभी इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आपने कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया क्या? क्या आवाज खोला आपने? क्या ऐसी जो भी यहां समस्याएं थी, ऐसा प्रयास न करते तो हम आज भारतीय जनता पार्टी में होते। मैं मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा नेता था और भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी, जिसमें हमारे साथ उमा जी थी, उनका मैं विधायक दल का नेता था मध्य प्रदेश की विधानसभा में। हम इन्हीं मुद्दों पर, जब मैं भाजपा में था तो भाजपा से मैं अलग हो गया, हमने कहा इतना भ्रष्टाचार, जो पार्टी पंडित दीनदयाल की बात करती थी, जो पार्टी माननीय उपाध्याय जी की बात करती थी, जो पार्टी एक छोर से दूसरे छोर में निवासरत गरीबों की बात करती थी, वो पार्टी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूब गई है। मैं कांग्रेस की बात इसलिए नहीं करता कि कांग्रेस की तो जड़ ही भ्रष्टाचार की है, परंतु लोगों को लगता था कि भाजपा से कुछ उद्धार मिलेगा। हम मंदिर से उद्धार पाएंगे, हम मस्जिद से उद्धार पाएंगे, हम पाएंगे विकास से, हम पाएंगे इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दिला के। हम कोई ऐसी योजना भाजपा में नहीं है जो लोगों के जनकल्याण की हो, भावना को खेर कर, बिखेर कर, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा घातक होगा। रीवा भी इसके लिए ताज़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप जैसा आप समझे, लोगों को भी हम ये बताना चाहेंगे, अभी किसानों के लिए ये 2 रुपये, 4 रुपये, 4000 रुपये का ये ऐसा कुछ हुआ सर, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है कि यदि लेवल देखें तो रीवा ज़िले में केवल 4-5 लोगों को ऐसा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जो 4000 रुपये मध्य प्रदेश शासन की ओर से आना है, वो कब तक आ पाएगा? ये लालीपाप दिखा रहे हैं। पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण के नाम पर दिखाया, फिर ये 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूं के नाम पर, चावल के नाम पर दिखाया, फिर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर दिखाया, आखिर ये टैक्स कहाँ से आता है? ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अपने घर से घोषणा कर रहे हैं, कि आपके अपने प्रॉपर्टी से घोषणा कर रहे हैं? ये पूरी घोषणाएँ
या तो झूठी हैं, खोखली हैं, इनके दावे झूठे हैं, और जो कुछ इम्प्लीमेंशन थोड़ा बहुत होता है वो गाढ़ी कमाई से जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं इस देश को, जो इस देश को चला रहे हैं, जो इस देश को संचालित करने में लगे हैं, उनको पहले तो इन्होंने नीचे के तबके को पंगू बनाया और अब ऊपर के लोगों को भी लालीपाप दिखा रहे हैं, किसानों को लालीपाप दिखा रहे हैं। तिवारी जी, 15,000 करोड़ रुपए अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया, इसके पहले 7 दिन पहले 1,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। आप ये बताने का कष्ट करें, चूँकि आप वहाँ थे, सदन में आप नेता थे, ये बताने का कष्ट करेंगे इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी? इस कर्ज की भरपाई लोगों को कमर तोड़ दी जाएगी, इस कर्ज की भरपाई होगी नहीं, बल्कि प्रदेश की एक एक कण की मिट्टी अगर ये बने रहे तो बेच देंगे। और तो इन इतना ही नहीं, ये तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा त्राहिमाम करेगा। और जो ये कर्ज ले रहे हैं, हमने माना किसी से कर्ज लिया शाहूकार से, और उसका कर्ज नहीं देंगे तो किसी भी सूरत में वसूलेगा, और किसी सूरत में वसूलेगा तो प्रदेश कंगाली की ओर चला जाएगा। ये प्रदेश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे। मैं तो अगर दूसरे शब्द में कहूँ कि नौजवानों का भविष्य गर्त में। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।